बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला देखो, ए हमारे पास ये गिवन है, एक मैट्रिक्स बी दे गिवन है 2x2 की, देन द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए स्क्वायर हमारा क्या दे रखा है, बी दे रखा है। तो ए स्क्वायर निकालने का हमारे पास डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर हमारा क्या गिवन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी गिवन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी गिवन है। तो ए स्क्वायर निकाल लो ऐसे मल्टीप्लाई करके, बट आपको वैसे देखना है तो आप क्या करो, इसका स्क्वायर करो और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन को ऐड कर दो, यानी कि अल्फा स्क्वायर, ऐसे ही करके ये टर्म निकालना है तो इसका स्क्वायर करो और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके ऐड कर, तो फिर हमारे पास वन आया, ठीक है। फिर ये टर्म निकालना है तो इनको मल्टीप्लाई करो जीरो, इसको मल्टीप्लाई करो इसके जीरो, तो दोनों को ऐड करेंगे जीरो प्लस जीरो तो जीरो ही आएगा। फिर यहाँ पे किया तो अल्फा इंटू वन तो अल्फा, वन इंटू वन तो वन, तो यानी कि अल्फा प्लस वन, ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, 0, 5 एंड 1, ये दे रखी है, क्लियर है। तो हमने देखा कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 1, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, प्लस माइनस 1 आ रही है। एंड हमें ये भी तो इक्वल रहना चाहिए कि अल्फा प्लस 1 हमारा कितना होना चाहिए, 5, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 4। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्फा हमारा 1 भी प्लस माइनस 1 में से और ये भी हो जाए, तो कॉमन कुछ भी नहीं है इनमें। अगर कोई कॉमन वैल्यू होती जिसके लिए दोनों इक्वल हो पाते तो यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, है ना। तो नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉसिबल।